जादुई सलवार सूट। बहुत समय पहले की बात है, हेमंतपुर गांव में रानी अपनी माँ शीतल और पिता संजय के साथ रहती थी। रानी अभी बहुत छोटी थी। रानी के गांव में एक महाराजा का शासन था जिसका नाम था दुष्यंत। महाराजा दुष्यंत ने अपनी प्रजा को बहुत सुख सुविधाएं दी, कभी अपनी प्रजा को निराश नहीं किया। लेकिन गांव में बहुत ज्यादा गरीबी थी, सभी लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर थे। रानी के पिता संजय महाराजा के दरबार में एक सैनिक थे और वो महल की चौकीदारी करते थे। रानी की माँ महल में झाड़ू पोछा का काम किया करती थी। रानी एक बहुत ही सुलझी हुई समझदार लड़की थी। वो गांव में सभी लोगों का कहना मानती थी और उनकी मदद भी करती थी। रानी बेटी, कहाँ जा रही हो? काका, मैं अपने पिताजी के लिए खाना बनाकर ले जा रही हूँ। उनका खाना खाने का समय होने वाला है ना? बेटी, तुम कितनी अच्छी हो, काश तुम्हारी जैसी बिटिया हमारी भी होती। काका, मैं आपकी ही तो बेटी हूँ, बताइए आपको मुझसे क्या मदद चाहिए? बेटी, क्या तुम मेरा यह संदेश राजा तक पहुँचा दोगी? क्योंकि मैं अभी अपनी पत्नी बिमला को अस्पताल ले जा रहा हूँ, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जी काका, बिल्कुल, लाइए मुझे दे दीजिए। रानी रामू से वो संदेश का लिफाफा ले लेती है और खाना लेकर अपने पिता के पास पहुँच जाती है। वो अपने पिता को खाना दे देती है, उसके बाद राजा के दरबार जाती है और एक सैनिक को रामू का वो संदेश पकड़ा देती है। उसके बाद अपने नृत्य के अभ्यास के लिए नृत्य कक्ष में चली जाती है। राजा के दरबार में लड़कियों को नृत्य करना सिखाया जाता था, इसलिए रानी वहां पर अक्सर जाती थी और नृत्य का अभ्यास करती थी। रानी को नृत्य करने का बहुत शौक था और वो हमेशा नई नई नृत्य की पोशाक को हासिल करना चाहती थी। वहां से एक दूर देश में परियों का एक समूह रहता था। वो देश जादुई सूट सलवार के लिए जाना जाता था। वो सूट कोई आम सूट नहीं थे, वो सूट बहुत ही बेहतरीन रेशम के कपड़े से बनाए गए थे। परियां उन सूटों को किसी खास मौके या अवसर पर ही पहना करती थी। जब भी उनके देश में कोई कार्यक्रम आयोजित होता था, तब सभी परियां उसे पहनकर उत्सव मनाती थी। वो सूट पहनकर परियों की सुंदरता बहुत ही ज्यादा निखर जाती थी। एक दिन रानी अपने आप को एक मुश्किल स्थिति में पाती है, जब वो महल में आयोजित कार्यक्रम में नृत्य करने के लिए अपना नाम भी लिखवा देती है। वो महल में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेती है जिसमें उसको राज्य के सामने नृत्य करना होता है। लेकिन रानी के पास पहनने के लिए कुछ खास कपड़े नहीं थे, इसलिए वो अपने आप को बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसके पास जो भी कपड़े थे वो बहुत ही पुराने थे और वो बचपन से ही उन कपड़ों को पहन रही थी। उसके पास कुछ नया खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे और वो बहुत परेशान थी। वो समझ नहीं पा रही थी, हे भगवान, ये कैसी मुश्किल घड़ी है, इस समय मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ कि उनके पास पैसे नहीं है। रानी ये सब सोच रही होती है कि तभी सिंड्रेला परी रानी के सामने आती है और रानी से कहती है, क्या हुआ रानी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? परी, आप जानती हैं, मुझे नृत्य करने का बहुत ज्यादा शौक है और राजा ने अपने महल में नृत्य करने वालों को कुछ इनाम देने का फैसला किया है। मैं उस प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी हूँ, परंतु मेरे पास उसमें पहनने के लिए कोई भी नया वस्त्र नहीं है। बस इतनी सी बात, तुम चिंता मत करो रानी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है। सिंड्रेला अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उसकी छड़ी घुमाते ही रानी के सामने एक बहुत ही सुंदर चमकता हुआ सलवार सूट प्रकट होता है। सिंड्रेला परी वो सलवार सूट रानी को भेंट करती है। रानी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो सबसे नाजुक रेशम से बना हुआ सुंदर सा और हीरे मोती और कीमती रत्नों से बना हुआ सलवार सूट था। उसने आज तक ऐसा सलवार सूट कभी नहीं देखा था।
वो अब तक का सबसे खूबसूरत सूट सलवार था। सिंड्रेला परी, आप नहीं जानती कि आपने मेरी कितनी बड़ी मुसीबत में सहायता की है। मैं आपको इसके लिए कैसे धन्यवाद दे सकती हूँ? रानी, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम कितनी नेक दिल और ईमानदार लड़की हो। तुमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया है, और वैसे भी हम परियां सभी की मदद करते हैं। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद के काम आई। रानी सिंड्रेला से वो सूट सलवार ले लेती है। रानी, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम कभी भी सूट सलवार को पहनने के बाद घमंड मत करना। हमेशा ये याद रखना कि सच्ची सुंदरता हमेशा भीतर से होती है। रानी सिंड्रेला परी को धन्यवाद देती है और सिंड्रेला परी वहां से गायब हो जाती है। रानी बहुत खुश हो गई थी। वो तुरंत ही वो सूट सलवार पहन लेती है। सूट सलवार पहनने के बाद वो एकदम राजकुमारी की तरह दिखाई दे रही थी। खुद को एक राजकुमारी समझने लगी थी। अब वो राजा के दरबार में नृत्य करने के लिए पेश हो जाती है। रानी को इतना खूबसूरत देखकर प्रजा के सभी लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और उन सबको लगता है कि मानो कोई परी उतरकर नृत्य कर रही हो। ये पल महाराजा के लिए बहुत ही खास पल था। रानी बहुत ही अच्छा नृत्य करती है, ये देखकर राजा बहुत खुश होता है। जैसे ही नृत्य समाप्त होता है, महाराजा रानी से पूछता है, रानी तुमने बहुत ही सुंदर नृत्य किया है, तुमने हमारा दिल जीत लिया है। उसके बदले में हम तुम्हें कुछ भी दे वह कम ही होगा, परंतु मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ कि क्या तुम महल में एक अतिथि के रूप में रहना चाहोगी? रानी राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है और महल में एक अतिथि के रूप में रहने लगती है। वो राजा के महल में बहुत दिन गुजार लेती है और महल का आनंद लेने लगती है। रानी जानती थी कि वो महल में एक अतिथि है और उसे वापस एक दिन अपने घर जाना है। रानी महल में बहुत दिन रह लेती है और उसके बाद अपने घर जाती है। तभी वो देखती है कि उसका घर तो बहुत ही सुंदर घर में बदल गया है। ये देखकर रानी बहुत हैरान हो जाती है। तभी सिंड्रेला परी उसके सामने प्रकट होती है। रानी, तुम्हें हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा ही घर है। अब तुम इस घर में हंसी खुशी से रह सकती हो। तुम जानती हो ये सलवार सूट एक जादुई सलवार सूट है। तुम इस सलवार सूट से अपनी कोई भी इच्छा पूरी करवा सकती हो। तुम्हें जिस चीज की आवश्यकता हो तुम इस सूट से मांग सकती हो। रानी सिंड्रेला परी को फिर से धन्यवाद देती है और कहती है, सिंड्रेला परी, आप नहीं जानती हो कि आपने मेरे जीवन में मुझे कितनी बड़ी चीज दी है। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं कभी भी सूट सलवार का गलत उपयोग नहीं करूँगी और हमेशा लोगों की मदद करूँगी। सिंड्रेला परी रानी को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। अब रानी अपने जादुई सूट सलवार के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक राजा रहता था। राजा की प्रजा राजा से बहुत खुश थी। राजा कभी कभी अपने राज्य में लोगों की खुशहाली का अनुमान लगाने के लिए दौरे पर जाते रहते थे। एक दिन राजा की पत्नी नंदिनी और उनका इकलौता पुत्र देव गांव की कुल देवी के दर्शन करने के लिए निकल रहे थे। राजा के कहने पर पूरे गांव में अच्छे से साफ सफाई हो रही थी। देव अपनी मां के साथ रथ में सवार मंदिर के दर्शन करने जा रहे होते हैं कि तभी रथ के आगे अचानक से एक लड़की आ जाती है। ए लड़की, तुझे कुछ दिखाई नहीं देता? अगर जरा सा भी चूक हो जाती तो आज तेरी जान ही चली जाती। क्या बात है सैनिक, रास्ते में इतनी बाधाएं क्यों आ रही है? गांव वालों को पहले नहीं बताया गया था कि हम कुल देवी के दर्शन करने आ रहे हैं? माँ आप शांत हो जाइए, आप यहाँ बैठिए, मैं देखकर आता हूँ कि बाहर कौन है। क्या हुआ सैनिक? देखिए ना मालिक, यह अचानक से हमारे रथ के सामने आ गई थी। अगर हमसे जरा सा भी चूक हो जाती तो आज यह जिंदा ना रहती। देव की नज़र जैसे ही उस लड़की पर जाती है, उस लड़की की सुंदरता में देव खो जाता है। देव ने कभी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी और वो कुछ बोल नहीं पाता।
वो दरअसल मेरी चाची ने मुझे काम दिया था। अगर काम करने में मुझे देरी हो गई, अगर मैं समय पर घर नहीं गई, तो चाची मुझे बहुत मारेंगी, इसलिए जल्दबाजी के चक्कर में मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, डरो मत, चलो अब तुम जा सकती हो। इसके बाद देव अपनी माँ के साथ कुलदेवी के दर्शन करने जाता है और वहाँ उस लड़की प्रीति की चाची घर पर प्रीति का इंतजार कर रही होती है। प्रीति की चाची कमला की एक खुद की बेटी होती है जिसका नाम था सोनम। सोनम एक बहुत ही आलसी और घमंडी लड़की थी। यहाँ प्रीति की चाची प्रीति का इंतजार कर रही होती है और यहाँ सोनम बिस्तर पर से खड़ी होती है। माँ, ओ माँ, मुझे भूख लग रही है, जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो। वो कामचोर अभी तक बर्तन धोकर घर पर नहीं आई है, वो महारानी खाना बनाएगी तब तो हमें कुछ खाने को मिलेगा। लो आ गई महारानी, जरा से बर्तन धोने में पूरा दिन लगा दिया इसने, चल जल्दी जाकर खाना बनाने में लग जा और मुझ पर एक एहसान कर। अपनी चाची की बात मानकर प्रीति चुपचाप खाना बनाने चली जाती है। प्रीति घर में पूरा दिन काम करती है, वो बचपन से ही अपने चाचा चाची के साथ पली बढ़ी थी। इतना काम करने के बावजूद भी प्रीति की कोई तारीफ नहीं करता था। एक दिन प्रीति उसके चाचा चाची आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। सुनिए जी, आपने जो दुकान पर कर्मचारी रखा हुआ है, आप उसे तनख्वाह क्यों देते हैं? जब हमारे घर में एक नौकरानी पहले से ही है, मैं तो कहती हूँ जब तक यहाँ पर ये है हमें इसे घर के सारे काम करवाने चाहिए। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? अरे कह तो तुम बहुत अच्छा रही हो, भाग्यवान, मैं समझ गया हूँ। कल ही मैं उसे दुकान से बाहर निकालता हूँ और प्रीतु को अपने साथ ले जाकर दुकान के सभी काम करवा लूँगा। अगले दिन प्रीति के चाचा प्रीति को अपने साथ दुकान पर ले जाते हैं। प्रीति जल्दी जल्दी घर के सभी काम खत्म कर देती है और अपने चाचा की दुकान पर पहुंच जाती है। तभी देव अपने राजमहल से बाहर गांव में प्रीति की दुकान पर आता है। अरे क्या बात है, तेरे हाथ जल्दी जल्दी क्यों नहीं चल रहे हैं? ये सारे काम जल्दी खत्म कर, और भी काम बाकी है। लगता है आज दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आने वाला है, चलो जाकर अब दुकान बंद कर देता हूँ। वो दुकान बंद करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर राजपुत्र आ जाते हैं। वो उनकी दुकान पर आता है। अरे वाह, मैं तो भाग्य ही खुल गए, आप मुझ जैसे गरीब की दुकान पर आए। प्रीति जरा राजकुमार के लिए पानी लेकर आओ। प्रीति राजकुमार के लिए पानी लेकर आती है। नहीं नहीं, मुझे पानी नहीं चाहिए, अब मैं चलता हूँ। राजकुमार देव इतना कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। वो आखिरी बार प्रीति को देखते हैं और दोनों की आंखें एक दूसरे को देखती है। उसके बाद राजकुमार वहां से चले जाते हैं। अरे आखिर ये क्या हुआ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगली सुबह प्रीति के घर के बाहर सैनिक आता है और प्रीति के चाचा से कहता है। राजेश, अरे ओ राजेश, घर पर हो क्या? तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई है। क्या बात है, कोई खबर लेकर आए हो हमारे लिए? तुम्हारी बेटी राजकुमार को पसंद आ गया है, आज शाम को ही वह तुमसे बातें करने आएंगे, मैं तुम्हें यही बताने आया हूँ, समझे? राजेश ये सारी बातें सुनता है तो वो खुशी के मारे फूले नहीं समाता और अपनी पत्नी को आवाज लगाने लगता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, सुनो सुनो, हमारी बेटी की शादी तय हो गई है, वह भी राजा के बेटे के साथ। ये आप क्या कह रहे हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं बहुत खुश हूँ। सभी लोग मिलकर तैयारियाँ करने लगते हैं और शाम होने का इंतजार करते हैं। घर के काम खत्म ही नहीं होते कि राजा अपने घोड़े पर सवार प्रीति के घर आते हैं। प्रीति के चाचा चाची राजकुमार का स्वागत करते हैं और उन्हें घर में बिठाते हैं। प्रीति की चाची अपनी बेटी सोनम को राजकुमार के सामने लेकर आती है। अरे अरे यह क्या, यह लड़की कौन है? अरे अरे आपका क्या मतलब है? अरे मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह लड़की उस दिन दुकान में आपके साथ नहीं थी। जो लड़की मैंने आपके दुकान में देखी थी वह यह लड़की नहीं है। रामू चाचा आप बताइए ना मुझे, आपने यह नहीं बताया कि हम यहाँ प्रीति को देखने आए हैं? राजकुमार जैसा आपने मुझसे कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही कहा था। राजेश, अरे प्रीति, प्रीति तो यहाँ पर नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा परंतु मैं प्रीति को पसंद करता हूँ और मैं इसके अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा। इतना कहकर राजकुमार चला जाता है और यहाँ प्रीति के चाचा चाची रात होते ही आपस में बात कर रहे होते हैं। देखो जी अब बहुत हो गया है, मैंने आपको जो भी बताया आप समझ गए हैं ना? मैं सब समझ गया हूँ भाग्यवान, उस लड़की के चक्कर में ही आज हमारी बेटी की शादी ना हो पाई। इस बार अगर मैंने उसे अपने घर से बाहर नहीं निकाला तो मेरा नाम भी कमला नहीं।
अगले शाम को प्रीति के चाचा राजेश प्रीति को गांव के घने जंगल में लेकर जाते हैं। चाचा जी आप हमें कहां ले जा रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और इतनी देर हो गई है हमें चलते चलते। अब मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा, बहुत जोर से प्यास लग रही है, प्यास से मेरा गला सूख रहा है। अच्छा ठीक है, तुझे प्यास लग रही है ना, तू यहीं रुक, मैंने सुना है पास में एक पानी का तालाब है, तू चुपचाप से यहाँ पर खड़ी रहना, मैं अभी गया और अभी आया। पर चाचा जी मुझे बहुत डर लग रहा है, आप मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए ना, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अरे बेटा इसमें डरने की क्या बात है, मैंने कहा ना मैं अभी गया और अभी आया, तू यहीं रुक। इतना कहकर प्रीति के चाचा वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ प्रीति बेचारी अकेली खड़ी रह जाती है। काफी समय बीत गया था, अपने चाचा का इंतजार करते करते वो थक जाती है, उसके चाचा वापस नहीं आते। चाचा जी आप मुझे इस घने जंगल में छोड़कर कहाँ चले गए हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब मैं कहाँ जाऊँ। अरे बाप रे ये जंगल कितना डरावना है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, इस जंगल में तो जंगली जानवर भी है, हे भगवान कोई तो मुझे बचा लो, यहाँ किसी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई तो मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई है आसपास मुझे बचा लो। प्रीति बहुत चिल्लाती है परंतु आसपास कोई नहीं होता और उसकी कोई नहीं सुन पाता। प्रीति चिल्लाते चिल्लाते रोने लगती है और आखिर में प्रीति को रोता हुआ देख एक 100 साल पुराना बरगद का पेड़ बोलता है, अरे इतनी रात में इस घने जंगल में कौन आया है, बेटी कौन हो तुम, इस तरह क्यों रो रही हो, इस समय तुम यहाँ क्या करने आई हो। ये आवाज सुनकर प्रीति थोड़ा घबरा जाती है और इधर उधर देखने लगती है, तभी पेड़ कहता है, अरे अरे बेटी घबराओ मत, मैं जंगल का पेड़ हूँ, इस जंगल में मैं सबसे पुराना हूँ। पेड़ जी मेरे चाचा मुझे इस जंगल में छोड़कर चले गए, मुझे बहुत डर लग रहा है, दुआ करके आप मुझे बचा लीजिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, पर तुम चिंता मत करो मैं तुम्हारी सुरक्षा जरूर करूंगा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तो मेरे इस पेड़ के अंदर रात भर रह सकती हो। फिर उस पेड़ में जादुई शक्तियों से एक दरवाजा बन जाता है और फिर प्रीति दरवाजे के अंदर चली जाती है। पूरी रात भर प्रीति उसके अंदर रहती है और फिर रात भर आराम करती है। रात के समय कई तरह के जंगली जानवर प्रीति की खुशबू से पेड़ के ऊपर हमला करने लगते हैं, परंतु वो पेड़ किसी भी जानवर को प्रीति के ऊपर नुकसान करने नहीं देता और सुबह हो जाती है। वो पेड़ अपना दरवाजा खोल देता है, प्रीति उसमें से बाहर आ जाती है। पेड़ देवता अब बहुत ही अच्छे हैं, जो आपने मेरी रक्षा की, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, और उन जानवरों के हमले से आपको कितना दर्द हुआ होगा ना, है ना। तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारे इस बात से बहुत ही खुश हुआ। तभी उस पेड़ से एक परी बाहर निकलती है और वो परी कहती है, प्रीति तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम्हारे दिल बहुत अच्छा है, तुम सदैव दूसरों का अच्छा चाहती हो, ये व्यवहार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम कहाँ जाना चाहती हो, प्रीति तुम्हारा घर कहाँ है। मैं इस घने जंगल में खो गई हूँ, मुझे रास्ता नहीं पता है, मेरी मदद कीजिए परी जी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है प्रीति, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरी ये जादुई सैंडल ले लो और इस जादुई सैंडल से तुम अपने आप अपने घर पहुँच जाओगी। और एक बात ध्यान रखना, ये सैंडल कोई साधारण सैंडल नहीं है, जब भी तुम किसी मुसीबत में हो ये सैंडल तुम्हें हमेशा मुसीबत से बचाएगी। प्रीति परी से वो जादुई सैंडल ले लेती है और उन्हें पहनकर अपने घर जाने लगती है। और जादुई सैंडल की मदद से प्रीति अपने घर के नजदीक पहुँच जाती है। घर के बाहर जाकर वो देखती है कि उसके चाचा चाची आपस में बात कर रहे हैं। अरे वाह भाग्यवान, खाना तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, जरा मुझे और दे दो। हाँ हाँ आराम से भरपेट खाना खाओ, हमारी अब सभी परेशानियाँ खत्म हो गई है। मैं कल ही कुल देवी के मंदिर जाऊंगी और फिर अपनी बेटी की धूमधाम से राजा के बेटे से शादी कराऊंगी। अपने चाचा चाची की ये सारी बातें सुनने के बाद प्रीति सब समझ जाती है। ओह तो मुझे अब समझ में आया कि ये तुम सबकी चाल थी मुझे जंगल में छोड़कर आने की, अब बहुत गंदे हैं चाचा जी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। ए लड़की तू यहाँ क्या कर रही है, सोनू जी आपने तो कहा था कि ये वापस नहीं आएगी, इसे जंगली जानवर वहीं खा लेंगे, फिर ये वापस कैसे आ गई। आपने क्या सोचा था चाचा जी, आप मुझे जंगल में छोड़कर आएंगे तो वहाँ पर जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। हाँ चाचा जी ऐसा ही होता, परंतु सही समय पर एक पेड़ ने मेरी जान बचा ली
और मेरी मदद की, नहीं तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। और मुझे वहाँ से वापस आने में परी ने मेरी मदद की है, तभी मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि मुझसे माफ़ी मांगो। प्रीति की ये बात सुनकर कमला की बेटी सोनम को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो पहले से ही बहुत गुस्से में थी क्योंकि उसकी शादी राजकुमार से नहीं हुई थी। सोनम अपना गुस्सा उतारने के लिए प्रीति के ऊपर हमला कर देती है। तभी वो जादुई सैंडल प्रीति को एक जोरदार बिजली का झटका देती है और सोनम एकदम से काली हो जाती है। माँ माँ देखो ये मुझे क्या हो गया है, माँ मुझे बचा लो। हे भगवान, ये क्या जादू कर दिया है तूने मेरी बेटी पर? तेरे कदम पड़ते ही मेरी बेटी का भी क्या हाल हो गया है। हाय हाय। बस चाची अब बहुत हुआ, आप मेरे साथ हमेशा गलत करती रही हैं। सोनम मेरे ऊपर हमला करने जा रही थी, इसको उसी के किए की सजा मिली है। अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों को मैं बहुत अच्छी सजा दिलवा सकती हूँ। गांव में सभी लोगों को बता सकती हूँ कि तुम लोगों ने मुझ पर कितने अत्याचार किए हैं। देखो प्रीति बेटा, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई है, कृपया करके तुम किसी से कुछ मत कहना। अच्छा ठीक है, मैं कभी भी किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। रुको, मेरी सैंडल से सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। सोनम तुम ये सैंडल पहन लो, तुम्हारी सभी तकलीफ खत्म हो जाएगी, परी ने मुझसे ऐसे ही कहा था। अपनी बहन के कहे अनुसार सोनम प्रीति की सैंडल पहन लेती है। सैंडल पहनते ही सोनम वापस अपने रूप में आ जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। हमें माफ कर दो बेटी, बेटी हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, मैं समझ गई हूँ तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। इसके बाद प्रीति के चाचा चाची प्रीति को अपना लेते हैं और राजा के बेटे देव से प्रीति का विवाह करा देते हैं और प्रीति अपने पति देव के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।